हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और क्षण होने वाला है जिस पर हर किसी को गर्व होगा। जी हाँ, ये इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। खासा उत्साह लोगों में है इस दिन के प्रति, इस क्षण के प्रति, इस पल के प्रति। बहुत सारी तैयारियां भी की जा रही हैं ये उत्सव मनाने के लिए। आखिर क्यों खास है ये दिन, क्यों राम मंदिर अयोध्या के बारे में आप इतना जो सुनते आ रहे थे, आखिर क्या होने वाला है ये आप सभी को पता चल ही गया है। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इसका आयोजन होने वाला है। देश विदेश में खासा उत्साह है लोगों के बीच इसको लेकर। अब हम अगर बात करें एक ऐसे समुदाय की जिनका श्री रामचंद्र से, उनके जन्म से ही जो रिश्ता है उनसे जुड़ गया। जी हाँ, ये जो रिश्ता है आगे भी बरकरार रहा और आज के समय में भी ये और गहरा होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की। आखिर किस प्रकार से ये इस उत्सव को मना रहे हैं, कितना गहरा रिश्ता है, इन सभी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर भजन भी हम आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, मनाते हैं ये उत्सव हम सब मिलकर। देखिए, हमें तो बहुत बेचैनी से इंतजार है वो घड़ी कब आएगी जो हम राम जी आएंगे अयोध्या में। जब पहले वनवास हुआ था तो उस वक़्त भी ऐसा में किन्नर समाज खड़े रहे थे 12 साल। 12 साल जो खड़े रहे थे, भगवान जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था नर नारी लोढ़िया, और उस वक़्त किन्नर समाज टटकू पर खड़े रहे थे। जब आए तो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया था वनवास से जब आए थे, और आज उसी जगह पे भगवान जी आ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। किन्नर समाज को हम बतला नहीं तक से अपनी खुशी, हमें कितनी खुशी है। हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं ये वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था किन्नर समाज को कि वो जब भी शुभ अवसर पर जाएंगे, किसी बच्चे का जन्म होता है, विवाह कार्यक्रम होता है, ऐसे वे आशीर्वाद देंगे तो वो फलित होगा। और जैसा कि रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर में, तो ये जो बधाइयाँ हैं ये गाई जा रही हैं। तो आइए हम भी आपको सुनवाते हैं ये भजन। परम भक्त थे ही और हैं ही प्रभु श्री राम के, जानकी माता के, लेकिन आप ये जो उत्साह है हम सभी में देख रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, उत्साह मनाया जा रहा है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और आइए आनंद लेते हैं इस भजन का। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, Thank you.
रामलला के इस कार्यक्रम को सभी व्यापारी वर्ग मिलकर इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएंगे। यहाँ के क्षेत्रवासी सभी समाज के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बार बार नहीं आता है, पहली बार इस तरीके से उत्साहपूर्वक कार्यक्रम हुआ है। ये पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और भोपाल शहर को भी पूरा सजाया जाएगा और भोपाल शहर में भी बढ़िया खुशियाँ रामलला की आएंगी और जगह जगह पताकाएँ और रैलियाँ निकाली जाएंगी, जिससे कि हमारा देश जगमगाएगा, पूरा शहर और हमारा भोपाल, हमारा क्षेत्र भी हर्षोल्लास से और जगमगाएगा, जैसा कि दिवाली आ चुकी है, दिवाली से अच्छा भी दिवाली मनाई जाएगी। महारानी ने दिया वरदान अयोध्या में रामलला भाई, तो ये जो भजन है हम आपको सुनवाते हैं, आप भी इसका आनंद उठाइए और खो जाइए इसमें। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी खुशी पूरा देश मनाएगा। 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में दीपावली बनेगी, आतिशबाजी होगी और घर घर दीपक जलेंगे, तो सभी धर्मों के लोग खुश हैं राम मंदिर बनने से। और जो पार्टी ने जो फैसला लिया है वो भी सराहनीय है और मोदी जी और उनकी सरकार बधाई की पात्र है कि 500 वर्षों बाद भगवान राम टेंट से उठकर अपने राम मंदिर के अंदर स्थापित होंगे। साधु संत भी खुश हैं, समाज का हर व्यक्ति खुश है और सनातन धर्म और सभी धर्मों के लोग खुश हैं। और इससे वाद विवाद भी जो होते थे पहले वो भी सब समाप्त हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। पायो जी, मैंने राम रत्न धन पायो, राम जो है अनमोल रत्न है, और ऐसे ही बहुत सारे जो भजन हैं भक्तों ने उनके लिए गाए हैं और लिखे हैं, तो आइए अगला जो गीत है हम आपको सुनवाते हैं। Thank you.
22 तारीख को हमारे आराध्य देव, हमारे ही नहीं पूरे विश्व के आराध्य देव भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रही है, उसमें पूरे संसार में हर्ष की लहर दौड़ रही है। ये भारत के राम नहीं हैं, राम तो पूरे विश्व के, पूरे संसार के, पूरा मानव जगत के राम हैं। और राम तो आज सनातन के धर्म के सबसे बड़े राम हैं, तो है। और सनातन धर्म वह धर्म है जिसकी कोई उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, और सनातन धर्म के अंदर श्री राम का एक अपना एक स्थान है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत के अंदर गली गली में, कोने कोने में, गांव गांव में हम लोग जो है दीपक जला करके भगवान श्री राम का एक हम जो है जन्मोत्सव के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। मंगलवार में भी पर भंडारे का आयोजन किया गया, पूरे जनता के माध्यम से, सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी धर्मों के लोगों के मिल करके यहाँ पर भंडारे का जो कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि राम किसी जाति के नहीं है, किसी पंथ के नहीं है, अरे भगवान श्री राम तो पूरे मानव जाति के, मानव समाज के हैं। और राम तो सबके हृदय में बसे हैं। जहाँ राम है वहाँ सब कुछ है, जो राम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। भगवान राम कई वर्षों तक, आज देखिए हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था, कि हमारे राम ने भी न्याय का, आज का अनुसार न्याय हुआ है। कई वर्षों तक टेंट में बैठे रहे, लेकिन आखिर न्याय की विजय हुई है। भारत की न्याय परंपरा, भारत के न्याय का आज पूरे विश्व के अंदर माना जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर न्याय व्यवस्था अगर कहीं है तो हमारे भारत के अंदर है। और उस न्याय में भगवान राम श्री विजय हुए हैं। भगवान राम नहीं, पूरी दुनिया के सारे लोग सनातन धर्म की विजय हुई है। और आज राम का जन्मोत्सव के रूप में आज 22 तारीख को मनाया जा रहा है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी धर्म प्रेमी लोगों से, चाहे जाति हो, संप्रदाय कोई भी हो, उनसे मैं चाहता हूँ कि घर पे हर 22 तारीख के रोज़ शाम को दीपक लगाया जाए, प्रकाशोत्सव किया जाए, ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि राम भारत के नहीं हैं बल्कि पूरे विश्व के हैं। और सब कुछ मैंने संदेश पहुँचना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम। सखीरी तो कुमारे सुंदरे मनोहरे आज आए, समुदाय की गुरु सुरैया नायक जी द्वारा प्रस्तुत है यह अगला भजन। Yeah.
रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन मेरा में रघुरैया, जन मेरा में रघुरैया, अवध पूरे बाजे बधैया। जन मेरा में रघुरैया, अवध पूरे बाजे बधैया। Thank you.
रवहु सुदसरत अजर बिहारी। उत्साह का माहौल आप सभी देख ही रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। जो भी जैसे भी इस उत्सव को मना सकता है, दिवाली मना रहा है, बधाइयां जो है। ऐसे में ये जो संदेश है लोगों तक, कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक, और विदेश में भी हम बात करें तो धरती के कोने कोने तक ये जो उत्साह है लोगों में पहुँचाया जा रहा है बधाइयों के द्वारा, और साथ ही साथ आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आपको पसंद आया होगा, और आप भी इसी प्रकार से ये उत्सव मनाइए और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। जय श्री राम।